इधर तू कहाँ होटल का एड्रेस तो दे, कहाँ रुका है यार तू हड़ा पब्लिक को यार। तूने मेरे को गाली दिया, मैंने वो गैरी मिनाटी की तू बीच में काई को आया। तूने सारों को नहीं बोला, सारे यूट्यूबरों को उठा के लाऊंगा। सारे नहीं, जो हमारे जो जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसको लाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि मुंबई वाला लफड़ा फिर से स्टार्ट हो चुका है। जब पिछली बार राजवीर फिटनेस मुंबई अजाज खान से फाइट करने गए थे तब कुछ नहीं हुआ था, पर इस बार जो आप लोग देखना चाहते हो वैसे ही कुछ हुआ है। राजवीर फिटनेस और अजाज खान एक दूसरे से मिले जहां दोनों का बहुत गुस्से वाला अंदाज था। शुरू में राजवीर होटल में रुके, वहां ये वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम स्टोरी पर अजाज खान को लेकर, जहां राजवीर ने इस बार तो अपनी पूरी लोकेशन वगैरह, होटल नंबर और सब कुछ शेयर कर दिया अजाज खान को। आप देखिए, मैं इसका वेट कर रहा हूं, जितने भी इसके फैन है पंचर वाले जो मुझे मैसेज करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, भाई तुम्हारा अब्बा बैठा अब मुंबई में, इसे बता दो फिर जब मैं घर चला जाऊंगा। ये किधर है, सोने को आया क्या इधर? भाई जागा हुआ हूँ, कल सो गया था मैं टाइम से, आज पूरी रात जाऊंगा, कल पूरी रात जाऊंगा, आज भी यही हूँ कल भी यही हूँ, ठीक है? तो जिसे भाई को मिलना हो मिल लेना। किधर है रे? इधर है, ये देखो भाई अजाज खान, ये भेज दी लोकेशन, इधर है, ये चली गई लोकेशन। और इसमें और हम में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो 8 अगस्त को, मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा, 8 अगस्त को इसने अपनी वाइफ के साथ एक वो डाली हुई थी पोस्ट, मतलब स्टेटस पे लगाया हुआ था। तो यार कोई हमारा वैसे दुश्मन थोड़ी, किसी से हमारी घर जमीन थोड़ी बट रही है। तो मैंने उस पर लिखा हुआ है सलामत रहे जोड़ी, और नीचे लिखा हुआ है हम दुश्मनों के परिवार के लिए भी दुआ करते हैं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे संस्कार हैं जो हमें सिखाए जाते हैं। और इसने जो करा है उसको हर्ष की बहन को गाली देके, ठीक है? लास्ट टाइम इसको ये वाली क्लिप देखो, ये राजवीर सिसोदिया हिल्टन के नीचे हूं, वो मैडम ने मना किया है कि अलाउड नहीं कर रहे हम लोग। इस बार पिछले बार वाली दिक्कत नहीं है कि कोई तो जो रिसेप्शन पर रोकेगा, रिसेप्शन पे मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि सबसे गंदी शक्ल का जो भी आदमी है उसे रूम नंबर 415 में भेज देना। लोकेशन मैंने भेज दिया, रूम नंबर 415 है। अगर किसी वजह से एक आध मिनट के लिए फोन ना उठे तो सीधे चाबी भी मिल जाएगी, चाबी लेके ऊपर आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? दो दिन मुंबई में हूँ, जो भी तेरी दिक्कतें थी पिछली बार का भाई, क्या होता है कि जब कोई बड़ा भाई साथ होता है ना तो उसकी बातें माननी पड़ती हैं। अगर आपके साथ भी आपका कोई बड़ा भाई और बोलेगा ऐ चुपचाप यहाँ बैठ जा, तो पिछली भाई बार मेरे साथ ओगेंद्र भाई थे, उन्होंने जैसे जैसे जो जो समझाया मुझे मानना पड़ा। इस बार मैं बिल्कुल अकेले आया हूँ, शेर अकेला आया गाजियाबाद से मुंबई। और ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, इसके जो पंचर वाले फैन है ना, ये घर में खाने को रोटी नहीं है, जियो फ्री मिल गया है, कमेंट करते हैं नीचे कि खान बम्बई में चला जाइए, अजाज खान पकड़ लेगा, या राजवीर भाग गया, दो मिनट में वीडियो बना के भाग गया। वीडियो बना के कहीं नहीं भाग रहा, लोकेशन भी दे दी, रूम नंबर भी बता दिया, जिस इवेंट में जा रहा हूँ वहाँ का कौन सा, नेस्को गोरेगांव, नेस्को गोरेगांव 6 बजे शाम के, 6 से 11 बजे तक वहाँ रहूँगा, फिर यहीं आऊंगा। तो उस रील के बाद भी अजाज खान का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो सबको लगा इस बार भी कुछ नहीं होगा। पर कुछ लोग गलत निकले, क्योंकि राजवीर फिटनेस ने शाम को एक और रील डाली अजाज खान को लेकर के, किधर है, तब ये हुआ। किधर है, किधर है? तो भाई ऐसा है, देखो कुछ भी ये कह रहे पंचर वाले कि भाई हरियाणा में यूपी में घूम रहे हो और बता रहे हो उसमें हो, देखो एमएच गाड़ी ऐसे पूछड़ खाने भाई हमारे, ऐसे पूछड़ खाने ना है, ठीक है? और भाई बदमाश से बात हो गई है, बदमाश और बदमाश के सारे फंटर पंचर लगाने बिजी हैं, शनिवार है, छुट्टी का दिन है, काम ज़्यादा है, दिमाग ठंडा हो रहा है, काम ज़्यादा है। तो भाई ठीक है, और हाँ देखो एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, देखो ये मेरा अकाउंट है। कुछ भाई ये कहते हैं कि भैया तुम वहाँ जाते तो लाइव क्यों ना आते, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं लास्ट जब 84 से लाइव आया था ना, उसके बाद लाइव के लायक नहीं है, देखो मेरे अकाउंट से लाइव नहीं जा पाता मैं, दिक्कत है ये। तो असली बात है ये त्यागी जी, अब पता है क्या, अब जब रात को मैं सो जाऊंगा ना, जब आएगा चेला तो मैं मिलूंगा। ए किधर है सोने को आया इधर। अब भाई सोने के टाइम में तो सोएगा आदमी। अब त्यागी जी देख रहे हो, इससे ज्यादा और क्या, हमारे यहाँ के भी कुछ लोग बात दिल्ली के रोस्ट बना रहे, कुछ भाई 3 दिन पहले डाल दी, बम्बई आ रहा हूँ, कल ला के बता दी, अब भी कह रहे यार कल भी है, ठीक है? फिर भी और क्या कहूँ मैं, इससे ज्यादा क्या कहूँ। तो भाई अब भी कुछ ना हो पाए ना तो मान लेना भाई कि हाँ यूपी हरियाणा के लोंडे दमदार हैं, ठीक है? चलो भाई अब हम। तो इसके बाद अजाज खान ने राजवीर फिटनेस से बात की और कहे कि खाए तू बता, मैं अभी आता हूँ, इस बार पिछले बार जैसा मत करना। तो अजाज खान का वीडियो देखिए जो इंस्टाग्राम स्टोरी पर वो पोस्ट किए थे। मैं हूँ बॉम्बे में, इधर त्याग जी कौन सी, ये मैंने लोकेशन भेजी हुई है,
इधर पूरा लोकेशन बताना, अभी मैं जोगेश्वरी में हूँ, एक शादी में हूँ इधर। अरे स्पोर्ट्स क्लब तुम है क्या? अच्छा रात को पार्टी कहाँ करेंगे, साथ में करते बता। किधर बता मेरे भाई, इधर तू कहाँ होटल का एड्रेस तो दे, कहाँ रुका है यार तू, हर बार बना पब्लिक को यार, कौन सी होटल में रुका है, एक एड्रेस दे। ये होटल ये 415 कमरा नंबर तूने दिया था, कौन सी होटल? स्पोर्ट्स क्लब में कौन सी होटल है रे? तो लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में सब लोगों का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि राजवीर फिटनेस और अजाज खान दोनों एक दूसरे से मिले, जहां दोनों काफी गुस्से में थे। तो अजाज खान कहे कि राजवीर तू मेरे मैटर में क्यों बीच में आया, जबकि मेरा सीन कैरी मिनाडी के साथ था, तेरा उसमें कुछ भी नहीं था। दोस्तों आगे वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी वीडियो देखिए जिसका आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। एक बात बता, सब लोग इधर ही है, हरियाणा का ना, पहचान जा पहचान, मैं तेरे को जानता हूँ, तेरे को कभी बात किया तेरे से, कभी भी तेरे को जानता हूँ मैं, तूने मेरे को गाली दिया, मैंने वो कैरी मिनाडी सारों को नहीं बोला, सारे यूट्यूबरों को कागज लाऊंगा, सारे नहीं, जो हमारे जो जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसको लाऊंगा। क्या कहते राजीव भाई, राजीव मेरी बात सुन, राजीव मेरी बात सुन, तू बॉडी बिल्डर है, मैं भी एक बॉडी बिल्डर, सुन मेरी बात, आगे भाई एक मिनट मेरे को बोलने दे, मेरे को तू इन्फ्लुएंस कर, मेरा बच्चा भी घर का लोग बच्चा लोग देखता है बरोबर, तुम लोग क्या करते हो, लोकेशन दे रहे, तुम लोग ओला ड्राइवर हो, यूट्यूबर हो ना, तुम लोग अच्छा अच्छा इन्फ्लुएंस करो ना, इस वीडियो के नीचे लोग राजवीर और राजस्थान को बोलने लगे कमेंट करके, मारो ना एक दूसरे को, बीसी मार क्यों नहीं रहे। एक और ने लिखा, राजवीर भाई अनफॉलो कर दूंगा अगर तुमने इसकी नहीं मारी तो। एक और यूजर ने लिखा, भाई कुछ भी कहो, मिल लिया मुंबई जाकर, अब कुत्ते भौंकते रहो, डैश में दम चाहिए उसके सामने जाने के लिए और उसके स्टेट में। एक और यूजर ने लिखा, राजपूत का नाम मत डुबा, तीन बार ठोक दिया तेरे को। कुछ लोगों ने ये तक भी लिखा कि फाइट नहीं करो तो पेन फाइट ही कर लेना। एंड तो काफी लोग देख रहे हैं कि उस रील के बाद कुछ भी सामने नहीं आया। तो आपको बता दूं कि अजाज खान और राजवीर फिटनेस जब से एक दूसरे से मिले हैं उसके बाद इनका लास्ट वीडियो यही है, जहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है कि उसकी वजह से राजवीर फिटनेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से चैलेंज वाले वीडियो डिलीट कर दिए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।